अयोध्या में पिछले 6 दिनों से चल रहा जन्माष्टमी का पर्व राधा कृष्ण की प्रतिमाओं के विसर्जन के साथ ही संपन्न हो गया। केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति के तत्वाधान में शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान समिति के अध्यक्ष मनोज जायसवाल, रेलवे के जोनल सलाहकार विजय गुप्ता समेत तमाम पदाधिकारी भी शामिल रहे। शहर के फतेहगंज बजाजा चौक रिकाबगंज से होकर निकाली गई विशाल शोभा यात्रा में शहर में स्थापित 33 प्रतिमाओं को एक शोभा यात्रा के रूप में निकाला गया। शोभा यात्रा में जहां एक ओर बच्चे और महिलाएं कृष्ण के विभिन्न भक्तिमय भजनों पर थिरक रहे थे, वहीं बुजुर्गों ने भी अपनी कमर लचकाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रशासन की ओर से भी पूरे रास्ते को सुरक्षा के घेरे में लिया गया था। महोत्सव की छठी के उपरांत विसर्जन शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जो नाका, मकबरा, वजीरगंज, लालबाग, सरयू विहार कॉलोनी, साहेबगंज, पूरे फैजाबाद नगर में करीब 2 दर्जन स्थानों पे भगवान कृष्ण की परमा बैठाई गई थी और आज भव्य रूप से जुलूस निकल रहा है। कृष्ण भक्त बढ़िया धुनों पे थिरक रहे हैं और जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। केंद्रीय दुर्गा पूजा रामलीला समन्वय समिति तरफ से उनके स्वागत का प्रोग्राम रखा गया है और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ जुलूस निकल रहा है।